नमस्कार दोस्तों, थोड़ी द व्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने डॉक्टर नरम की टेक्निक को अपनाया था और काफी शॉक्ड थी बिकॉज ये बहुत जल्दी काम कर गया, यानी जिस दिन ट्राई किया ये उसी दिन काम किया। लेकिन मेरी दो तीन कुछ इच्छाएं ऐसी भी होती हैं कि जो थोड़ा सा टाइम ले लेती है, तो उसके बाद फिर दूसरी इच्छा के लिए मैंने ट्राई किया तो ये थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन पूरी जरूर हुई। तो मुझे लगा इस पर एक दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जानने वाली बात होती है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमें कर्म भी करना पड़ता है। तो ये भी टेक्निक जो है इसे कर्म ही कहते हैं कि इसे करके देखिए ताकि आपके जीवन में भी आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति जरूर कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेक्निक कर ले और कर्म ना करे। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म के साथ साथ कुछ चीजें हैं जिसे अपनाएं जरूर। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे जितने भी इंटेंशन होते हैं या फिर जो भी इच्छाएं होती है वो हमारे दिल से निकलती है। दोस्तों हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं और जिसको हमें दिल से हम चाहते हैं वो भगवान पूरी जरूर करता है, यानी यूनिवर्स भी उसे पूरी जरूर करती है। तो यहाँ पर जो मेरा तात्पर्य है कहने का कि हमारे दिल से संबंध होता है हमारे कुछ हाथों के नसों का। लेकिन यहाँ पर जो टेक्निक है ये टेक्निक काफ़ी एंसिएंट टेक्निक है और ये एंसिएंट टेक्निक जो डॉक्टर नरम ने बताई है सच में बहुत कारगर है और जिसे हम सबको यूज़ करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस पर ये वीडियो इसलिए डालूं कि अभी बहुत सारे नए नए सब्सक्राइबर्स भी जुड़ रहे हैं और पुराने सब्सक्राइबर्स तो खैर है ही, तो सबके लिए ये एक बार और रिमाइंडर है कि अगर भूल चुके हैं इस टेक्निक को तो प्लीज़ एक बार फिर इसे दोहराइए। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। करना क्या है कि सबसे पहले आपके दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर को यानी पहली वाली उंगली को ऐसे 6 बार दबाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन दबाने से पहले भी एक बात का ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में आपकी इच्छा पहले से ही होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि आपने दबाया उसके बाद आपने सोचा मेरी इच्छा क्या थी, ऐसा नहीं करना है। आपकी कोई भी एक इच्छा ज़रूर होगी जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, हो सकता है आप इंस्टेंट पूरा करना चाहते हैं, तो इस टेक्निक को ज़रूर अपनाइए। करना कैसे है कि सबसे पहले अपने दिमाग को रेडी कीजिए अपनी इच्छाओं के लिए, उसके बाद आपको इस उंगली को यानी इंडेक्स फिंगर को 6 बार दबाने हैं, 1 2 3 4 5 6। जैसे ही 6 बार दबा लिया तुरंत आँखें बंद कर लीजिए। ये मैं आपके लिए बता रही हूँ, आंखें बंद कर लीजिए, आपकी जो भी इच्छा है तुरंत सोचिए, दिल से सोचिए, उसके बाद दिल पर 6 बार थपथपी लगाइए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब से फिर से कहती हूँ, 6 बार इस उंगली को दबाया, ठीक टॉप में दबाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद तुरंत अपने दिमाग में अपनी इच्छाओं को लाइए और वो इच्छा क्या है आपको पता है और उसे दिल से सोचना है कि मेरी ये इच्छा है। अब यहाँ पर मत पूछिएगा कि प्रेजेंट में पूछना है या फ्यूचर में पूछना है, बस आपको सोचना है कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए। उसके बाद ही तुरंत दिल पर 6 बार थपथपी देना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आपको कुछ नहीं करना है, ये टेक्निक को बस करके छोड़ देना है। आप देखेंगे इसका एक इंस्टेंट रिजल्ट जरूर आता है, तो इसे जरूर अपनाइए और अपनी इच्छा की पूर्ति भी कीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं कहती हूँ कि ये सारे टेक्निक्स ना बहुत कारगर होते हैं, लेकिन साथ में आपको कर्म करने की भी ज़रूरत होती है। तो जितने भी सारे टेक्निक्स हैं मैं लाते रहूँगी, भरमार कर दूंगी, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस कोशिश करते रहिए, क्योंकि इसमें एक आना भी खर्चा नहीं होता है, इसलिए करने में क्या हर्ज है। और अपनी हर इच्छाओं को पूर्ति कीजिए, लेकिन साथ में सबका ख्याल भी रखिए, दिल से दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए। और हर इच्छा दिल से ही होती है, जो चीज़ आप दिल से मांगेंगे वो यूनिवर्स आपके पास ज़रूर ला देगा, है ना। तो दिल से सोचिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कीजिए, साथ में डॉक्टर नरम की ये टेक्निक को भी यूज़ कीजिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इस तरह के वीडियोज मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।